हेलो फ्रेंड्स, जैसे आज शुभम गिल ने 200 की पारी खेली है और इंडिया में फिफ्थ बैट्समैन हो गया जिन्होंने 200 मारे हैं, उसी तरीके से एक शेयर है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने यहाँ पर एक तूफानी पारी खेली है और यहाँ पर यह शेयर अब एक बेहतरीन नंबर यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बेहतरीन रिजल्ट पेश करता हुआ नजर आ रहा है और शायद अब ये स्टॉक्स यहाँ से डबल होने में टाइम नहीं लगाएगा। तो इंडसइंड बैंक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं एग्जैक्टली क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आया और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और यहाँ पर चार्ट क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ही टॉल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करने वाले हैं रिजल्ट से रिलेटेड। तो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट से रिलेटेड बात करेंगे और जानेंगे। तो अगर हम बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, ये 1994 में इनकॉर्पोरेट होता हुआ दिखाई दिया था और एक अच्छा खासा बैंक यहाँ पर ये नजर आता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्रॉड्स और बहुत सारी चीजों के रीजन की वजह से अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया का जो पहला प्राइवेट बैंक था, ये शेयर भागता हुआ नजर नहीं आया और बहुत सारे टाइम तक आप देखेंगे कि जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स इसी टाइम पे 2021 में ही यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, चाहे HDFC, ICICI बैंक या दूसरे स्टॉक्स को ले लीजिए, एटलीस्ट उन्होंने अपने हाई ऑल टाइम हाई का था जो उसे क्रॉस करते हुए नजर आए थे, बट ये स्टॉक्स अभी तक उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज एज वेल एज बहुत सारे बैड लोन्स और बहुत सारे यहाँ पर चीजें होती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स बार बार ऊपर जरूर जाता था बट नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, तो ये कहानी इसके अंदर चलती हुई नजर आ रही थी। बट मुझे अब ये लगता है कि ये कहानी अब ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और हम बात करें इसके बिजनेस से रिलेटेड, तो आने अब इसका बिजनेस बेहतर से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट लाइक अदर बैंक्स। तो हम यहाँ पर बात करें इंडसइंड बैंक क्या काम करता हुआ नजर आता है, हर एक बैंक की तरह लोन देता हुआ नजर आता है, अलग अलग तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है, एज वेल एज यहाँ पर हम बात करें कंपनीज की तो देखिए हर तरीके के यहाँ पर ये लोन देता हुआ नजर आता है, हाउसिंग लोन हो गया, एज वेल एज क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी यहाँ पर अच्छा खासा काम करता है। 94,841 की मार्केट कैपिटल है, 14 के पीई पे, इंडस्ट्री का पीई 15 का है, तो कहीं ना कहीं सही यहाँ पर नजर आता है। डेट की बात करें तो 715% का डेट है, मतलब यहाँ पर जितना डेट होता है NBFCs और बैंक में वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उतना ही वो लोन दे पाएंगे और जितना लोन दे पाएंगे उतना ही इंटरेस्ट आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बात करें कंपनी की तो 1263 रुपए के आसपास का यहाँ पर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, जो कि ट्रू वैल्यू होती है, और उसी के आसपास ये शेयर यहाँ पर चल रहा है, 1276 का इसने हाई लगाया था। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैं दिखा चुका हूँ, कभी शेयर यहाँ पर 2000 रुपए के आसपास हुआ करता था बट अभी 1200, तो मुझे यहाँ पर ये शेयर में अप पोटेंशियल नजर आती है, क्या मेरे पास है, नहीं, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस स्टॉक्स और क्यों पोटेंशियल नजर आती है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के नंबर आए हैं, 9,457 करोड़ रुपीज का यहाँ पर रिवेन्यू आया है जो कि पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। कंपनी का मार्जिन देखिए 6% का मार्जिन आया है, जो कि यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर परफॉर्मेंस था, ओके, वो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए नेगेटिव जीरो पे आया, जीरो से यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है और बैक टू बैक अच्छे रिजल्ट पेश करता हुआ नजर आ रहा है। एनपीए की बात करें तो कंपनी का जो एनपीए है वो भी देखिए ईयरली बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है, ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस एनपीएस वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट देखिए 1959 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में। तो कंपनी हाईएस्ट एवर यहाँ पर नंबर अपने पेश करती हुई नजर आ रही है, कंसोलिडेट नंबर की तरफ भी नजर देख डालना चाहते हैं तो देख डाल लीजिए, सेम यहाँ पर नजर आता है। ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा, हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का यहाँ पर देखिए लगभग 47,000 करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर रिजर्व्स है और बॉरिंग 3,41,000 के आसपास के यहाँ पर बोरिंग भी है। कंपनी 95 करोड़ रुपीज वर्किंग प्रोग्रेस, 70,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और लोन की बात करें 22,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का लोन और कैश भी अच्छा खासा है, 68,000 करोड़ रुपीज के आसपास का। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें यहाँ से बढ़ती हुई नजर आई है, लगभग 16.51% के यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। एफआईज की बात करें, एफआईज लगभग 44% की होल्डिंग रखती है। डीआईज देखिए लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है, 15 से 24 हो गए हैं। गवर्नमेंट के पास 3.37 और पब्लिक की बात करें तो 13% के शेयर ही यहाँ पर पब्लिक के पास है, और पब्लिक के पास से शेयर का जाना
याद रखिए, पब्लिक के पास से शेयर का जाना एक अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि अच्छे लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, रिटेल पब्लिक यहाँ पर बेचती हुई नजर आ रही है। और जब रिटेल बेचती है और बड़े लोग HNIs, म्यूचुअल फंड, DIs, FIIs ये सब खरीदते हैं, तो शेयर प्राइस क्या होता है, शेयर प्राइस अप्रिशिएट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे भी 700 रुपए वाला शेयर यहाँ पर 1300 रुपए भी होता हुआ नजर आया, और कब, जून से यहाँ पर, तो मोर लगभग लगभग ये शेयर अच्छा खासा यहाँ पर प्रदर्शन कर चुका है। तो क्या अब और भागता हुआ नजर आएगा, क्या करता हुआ नजर आएगा, चार्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो चार्ट पे आएंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वो सारी वीडियोस डाली गई है जाके देख लीजिए। गोवा कार्बन के रिजल्ट भी यहाँ पर बेहतरीन आते हुए नजर आए, क्या हो सकता है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। जस्ट डायल और दूसरे वीडियोस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। बट ये चीजें कैसे चीजें देखते हैं और कब यहाँ पर भागते हुए नजर आए। अब यहाँ पर देखिए नंबर अच्छे आ गए। अभी कल हमने बैंक ऑफ इंडिया के बताए थे, बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट अच्छे थे, बट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे, ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाया, और लगभग 3 से 4% की यहाँ पर क्या होती हुई नजर आई, इसमें एक गिरावट होती हुई नजर आई। तो लोग सोचेंगे इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो लोगों ने यहाँ पर लिया भी होगा, बट स्टिल यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर नहीं आया। तो वॉट इज द करेक्ट टाइम, ये अगर आपको पहचानना है क्या यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप भी बन रहा है, और जब अभी डबल टॉप बनता है तो याद रखिए चीटें गिरती हुई नजर आती है, प्लस में कुछ सेलिंग यहाँ पर कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कुछ एवेल्युएट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आना ही सब कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये किस चीज तरीके से यहाँ पर पहचानते हैं, किस तरीके से ये सब चीज जानते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, इंडसइंड बैंक में भी क्या ऐसे ही कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो कल क्या गिरता हुआ नजर आएगा, भागता हुआ नजर आएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बट उससे पहले ये सब चीज सीखनी है। तो बेसिक्स टू एडवांस मार्केट स्टॉक सबके बारे में सीखना है, तो बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पर सिखाते हैं। इंडिविजुअली अगर केवल यही सीखना है 10,000 रुपीज, रिसर्च सीखना है 10,000 रुपीज, और सारा कोर्स रिसर्च फंडामेंटल और टेक्निकल सीखना है तो 15,000 रुपीज का कोर्स है जो आपके लिए बना दिया गया है, और पूरा का पूरा जितना भी एक्सपीरियंस है इस कोर्स में डाल दिया गया है। और ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी कि आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि शायद हम इस कोर्स को 1 से या 2 साल पहले यहाँ पर कर लेते तो शायद आप आज की डेट में करोड़पति बन के बैठे होते। तो 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग है, 15,000 रुपीज ना के बराबर का कोर्स है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के फिर पैसे कमा के फिर यहाँ पर कोर्स को कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी यूज जो मार्केट में यूज होती है, ऑनलाइन नोट्स आपको दिए जाएंगे 8860540501, 8169260370, इन नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा, मेरे से बात होगी, और यहाँ पर हम यहाँ पर कोर्स का बारे में जानना है कि क्या क्या बेसिक्स टू एडवांस में किस तरीके से पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, फिबोनाची, एलियट वेव और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाई जाएगी, रिसर्च में सिखाई जाएगी, स्टेजेस किस तरीके से स्टेज वन काम करती है, 2, 3, 4 और क्या क्या चीजें उसमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या देखना चाहिए, वो सब चीज यहाँ पर सिखाया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया गया जिसका नाम वेल्थ क्रिएटर है। ये शेयर्स आने से पहले, ओके, और बहुत सारी चीजें होने से पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर बहुत सारी चीजें डाली जाती है और उसका फायदा उठा के यहाँ पर पैसा यहाँ पर लोग कमा रहे हैं। इसकी ज्वाइनिंग फीस 1,000 रुपीज है, बट 1,000 रुपीज कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। लोग यहाँ पर बहुत चार्ज करते हैं बट यहाँ पर पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, कि सिंपल थोड़ी सी स्टडी यहाँ पर आपके सामने पेश की जाती है, आपको बताया जाता है हम मेहनत करते हैं, इसलिए उसको वो चार्जेस है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर इन्हीं नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी यहाँ पर कोर्स करेगा उसके लिए हमेशा के लिए 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा के लिए रहेगा, तो उनके लिए 50% लाइफ टाइम के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल बैंक से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार कोशिश करी, दूसरी बार कोशिश करी, तीसरी बार कोशिश करी, और ये कोशिश यहाँ पर बार बार क्या होती हुई नजर आ रही है, फेल होती हुई नजर आ रही है। तो क्या करना चाहिए, क्या शेयर बेच देना चाहिए? बट यहाँ पर देखिए ये शेयर बार बार यहाँ पर 20 DMA के आसपास यहाँ पर घूम के चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, 20-50 के आसपास यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है, अभी भी 20 के आसपास ही यहाँ पर है। मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा अगर ये शेयर 1116 के नीचे आया तो याद रखिए गिरता हुआ नजर आएगा, और शायद ये 1000 और उसके नीचे भी आ सकता है, बट रिजल्ट अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, और वो गिरावट कितनी हो सकती है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके आसपास चीजें आएगी, अगर यहाँ पर इसके आसपास चीजें आती है तो आप यहाँ पर बाई करके सेल सकते हैं, और उसके बाद वेट करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कुछ चीट पैटर्न बन रहे हैं एज वेल एज VCP पैटर्न बन रहे हैं। VCP पैटर्न होता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न, ओके, वो यहाँ पर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद याद रखिए जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम का एक्शन होता हुआ नजर आएगा और शेयर जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर जाएगा,
ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है या फिर ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों लाइनों के ऊपर जाती है शेयर में एक तेजी आएगी। तो सबसे पहले इस शेयर को यहाँ पर 1342 रुपए, उसके बाद इस शेयर को यहाँ पर 1576 रुपए, और मैं आपको बात करूं तो फिर उसके एक एक करके ये स्टेप्स आएंगे। ये टारगेट है 1800 रुपए और फिर लास्ट में 2000 रुपए, और जैसे ही 2000 को क्रॉस करेगा फिर ये शेयर अपना असली मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी अगर मैं यहाँ से ये लेता हूँ तो एक एक करके टारगेट मैं आपको डिस्टर्ब बताता हूँ। तो सबसे पहले टारगेट 28% का, फिर 47% का, और फिर 66% का यहाँ पर टारगेट नजर आता है, और मुझे नजर आता है कि इस साल के एंड तक 66% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। ओके, इस साल के एंड तक ये 66% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, और ऐसे बहुत सारे शेयर, क्योंकि ये तो देखिए ये है लो बीटा स्टॉक्स। लो बीटा स्टॉक्स का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट आपको हाई बीटा स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर दिए जाते हैं हाई बीटा स्टॉक्स, यहाँ पर पैसा बनता है 4%, 5%, 10% भागते हैं, 20% भागते हैं, अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट भी लगते हैं, बट आप अगर दिमाग से काम करेंगे अच्छा पैसा बने। 8860540501, 8169260037 पे कॉन्टैक्ट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और प्यार देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।